लालू परिवार कोई ऐसा यादव फैमिली है जिसको खत्म ना किया हो, कोई ऐसा यादव वर्कर है जिसको आइसोलेट ना किया हो, मारा ना हो। लालू परिवार के लिए सिर्फ बेटा फैमिली। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। यादव जाति को लेकर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का दर्द छलका है। बता दें कि पप्पू यादव ने बयान देते हुए ये कहा है कि लालू परिवार ने हमेशा से ही यादव परिवार को खत्म करने का काम किया है और यही वजह है कि बिहार में ना तो लालू प्रसाद यादव का कोई भविष्य है और ना ही उनके बेटों का। बता दें कि बिहार में इस वक्त कई तरह की चर्चाएं चल रही है, खास करके समीकरण बदलने को लेकर भी आरजेडी की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कटिहार पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का गुस्सा एक बार फिर से लालू परिवार के लिए देखने को मिला, जिसमें उन्होंने जमकर लालू परिवार पर निशाना साधा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़े। बता दें कि पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कहा है कि पीएम मोदी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। सुनवाते हैं आपको कि कटिहार पहुंचते ही क्या कुछ कहा गया है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से और लालू परिवार और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस तरह से हमला बोला है। लालू परिवार कोई ऐसा यादव फैमिली है जिसको खत्म ना किया हो, कोई ऐसा यादव वर्कर है जिसको आइसोलेट ना किया हो, मारा ना हो। लालू परिवार के लिए सिर्फ बेटा फैमिली, उसके अलावे कोई यादव वर्कर की सम्मान आप नाम बता दो। और यदि बीजेपी ने अपना ऑप्शन खोल दिया किसी यादव का, तब तो गई जमीन। तो इससे बेहतर है नीतीश जी ही रहे ताकि भविष्य में यादव का ऑप्शन खुला रहे। नीतीशो जी ठीक तो हो खुश भाई। नीतीश जी को तो अब एक ही कुर्सी चाहिए ना, चार बार मुख्यमंत्री हो गए, पीएम बनने देगा नहीं कोई, तो राष्ट्रपति की कुर्सी चाहिए ना, राष्ट्रपति ही सबसे ऊपर है ना, तो राष्ट्रपति बनने नरेंद्र मोदी चाहेंगे क्या? तो भस्मासुर हो जाएंगे। जिस दिन बनेंगे नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज राष्ट्रपति ज्ञानी जय सिंह से भी ऊपर होंगे, लिख लेना। कौन चाहेगा नीतीश कुमार राष्ट्रपति हो जाए, उसमें नरेंद्र मोदी तो नहीं चाहेंगे कभी इस जन्म में, कभी। नरेंद्र नीतीश कुमार 5 बजे दस्तखत नहीं ना कर देगा, 3 बजे रात में खून का आंसू बहा देगा जी, सबको पता है। सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव ने लालू परिवार पर इस बात का आरोप लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार को खत्म करने का काम आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, जो कि बिहार की जनता कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगी। खास करके जाति को लेकर जो राजनीति आरजेडी करना चाह रही है उसमें कभी भी बिहार की जनता आरजेडी का सपोर्ट नहीं करेगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो बात कही जा रही है इसको लेकर भी पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नहीं चुनेगी और ना ही सीएम नीतीश कुमार का यह सपना कभी पूरा होगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।